हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आशीष शर्मा एंड आई एम फ्रॉम सीएससी डिपार्टमेंट. एज आई इन द प्रीवियस क्लास आई गिव यू अ क्वेश्चन दैट एंटर द स्ट्रिंग इन विद द हेल्प ऑफ एरे एंड फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ईच नेम एंड डिस्प्ले दैट नेम अकॉर्डिंग टू द लेंथ. सो अब हम उस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे. हमने सबसे पहले अपना हैश इनक्लोज आईओ स्ट्रीम आउट एच हमने इंक्लूड किया कॉर्नियो डॉट एच. हमने यहाँ पर क्लास ले ली, फॉर एग्जाम्पल हेलो की ले ली. हम चेंज कर देते हैं. हमने नेम और यहाँ पर लेंथ ली. इंटीजर हमने यहाँ पर इंटीजर लिया, एक आई जे के एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, शायद जरूरत पड़ जाए. आपने क्या किया इस जगह के ऊपर, आपने यहाँ पर नम ले लिया वैल्यूज़ को डालने के लिए. मुझे शो करना है. शो कहाँ कर दिया हमने. अब हमें इस जगह पे क्या चाहिए, क्योंकि मैं अब कैलकुलेशन और वो एक ही फंक्शन के अंदर करूँगा तो मुझे दूसरा फंक्शन लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है. हमने यहाँ पर नम ले लिया, न्यू लाइन लिया आपने, एंटर योर नेम. हमने थोड़ा सा गैप दे दिया, सीन इसको AO5 में डाल दिया, राइट. लेकिन मेरा कहाँ है फोर, तो हमने यहाँ पर फोर लूप लगा दिया. ऊपर आई की वैल्यू 0, आई इज लेस देन, मैं 5 ही नेम लेके चलता हूँ ताकि इजीली हमसे हैंडल हो जाए. हैंडल तो बहुत हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आ जाएगी डिस्प्ले की. हमने यहाँ पर हेलो लिया और हमें शो करता हूँ. देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या किया, 4 आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू 4 में और आई में प्लस प्लस. अब जो मेरा नेम था वो तो AO5 में था, लेकिन मेरे को तो उसकी लेंथ भी निकालनी है. तो लेंथ निकालनी है तो हमने यहाँ पर एक जे ले लिया. जब एरे से हम बीच में आए तो हमने क्या किया इस जगह के ऊपर, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा वाइल लूप लगाया. वाइल लूप में क्या था, AO5 यानी कि एरे, और लेंथ निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने जे को दी. तब तक करो जब तक कि उसके अंदर उसको ब्लैंक स्पेस ना मिल जाए. यह है नॉट नल का साइन. जे में प्लस प्लस किया, मैं अभी प्रिंट नहीं करूँगा, मैं आपके भी आपको लेंथ ही शो करूँगा. हो गया. जब यहाँ से मेरा वाइल बंद हुआ तो मुझे क्या चाहिए, मैं सी आउट करूँगा, न्यू लाइन, एक दो टैप दे दिए. दो टैप देने के बाद आपने क्या किया, अगर आप यहाँ पर उसकी पोजिशन देखना चाहते हैं, मैंने ए ले लिया ब्रैकेट, यहां पर आपने आई लिया ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू, और आपने AO5 ले लिया. अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए था, उसका लेंथ. तो आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा टैप दिया, लेंथ इज इक्वल टू किस में थी, जे में थी, आपने ये दे दिया. अब यहां पे देखिए, ये तो वायर बंद हुआ, ये वायर बंद हो गया, ये ऊपर वाला फोर, ये फंक्शन, राइट. अब मैं यहां पर इसका मेन लेके चलूंगा वाइड, आपने मेन लिया, मेरी क्लास हेलो थी, ऑब्जेक्ट पी बनाया, हमने स्क्रीन क्लियर करी, पी डॉट हमने यहां पर ले लिया, नम ले लिया, नंबर इनपुट किया, फिर हमने यहाँ पर शो किया, यहाँ पर गेट सी एच किया और बंद किया, कंट्रोल F9. देखिए हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल पहला नेम राज लिया, विकास लिया, वरुण लिया, हमने यहाँ पर ये नेम ले लिए. तो देखिए हर एक की उसके नेम और उसकी लेंथ उसने यहाँ पर शो कर दी.
राइट। अब मुझे क्या चाहिए, वो नेम उतनी ही बार प्रिंट हो और वो नेक्स्ट लाइन में हो। अगर हम नेक्स्ट लाइन में करना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस और करेंगे। चेंजेस के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले जैसे कि हमने पीछे एक फंक्शन बनाया था वर्ड, हमने यहाँ पर एक लाइन नाम का फंक्शन बना दिया वाइड। हेलो के अंदर हमने एक लाइन बना दी, राइट। हमने इस जगह पे क्या किया, सी आउट न्यू लाइन में प्रेस एनी की टू सी द रिजल्ट, राइट। इसको रोकने के लिए हमने यहाँ पर एक गेट सी एच लगाया और यहाँ पर स्क्रीन क्लियर कर दी, राइट। अब ये जो लाइन है मैं कहाँ पे दूंगा, शो से पहले, लाइन शो से पहले पी डॉट, हमने लाइन ली। अब आप कहते हैं कि मुझे उसकी प्रिंट करना है, आपने देखे यहाँ पर तो उसको शो कर दिया था इस जगह के ऊपर जहाँ पर मैंने आपका क्लिक किया हुआ है। अब मुझे क्या चाहिए, न्यू लाइन में वो नेम उतनी ही बार प्रिंट हो। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, वाइल लगा दिया, तब तक कीजिए वाइल जब तक कि जे ग्रेटर देन इक्वल टू है वन के। तो मुझे क्या चाहिए, सी आउट, मैं यहाँ पर टैप दूंगा और ए ऑफ आई को प्रिंट करूँगा और यहाँ पर जे में माइनस माइनस और ये यहाँ पे बंद। लेकिन हमें जो चाहिए था न्यू लाइन में, तो इसके बाद मैंने यहाँ पर न्यू लाइन ली, कंट्रोल एफ नाइन। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर दिया राज, करण, रोहित, वरुण और हमने यहाँ पर कोई भी नेम ले लिया, राइट। सामने देखिए जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए थी वो हमारी पूरी हो गई, राज, राइट, तीन थी, तीन बार प्रिंट हो गया, करण पांच था, पांच बार आ गया, रोहित। इसी तरह किस तरीके से आप कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हो, कैसे भी हो, फॉर्मेट कोई भी लेके चल सकते हैं, डजेंट मैटर, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, राइट। आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। हाँ, इसके लिए आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि आप किस बेस पे काम कर रहे हैं, आपका बेस क्या है और आप कहाँ तक करना चाहते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।